अस्सलामुअलैकुम माई डी फैमिली, कैसे हैं आप? समझ देखिए आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फिलहाल तो अभी हम लोग ऑन द वे थे क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपनी भाभी के अम्मी के घर जा रहे थे और साथ में ये थी आपी, बड़ी वाली आपी और मेरे भाई थे और मेरी आपी का छोटा वाला बेटा था। तो बस हम लोग चार लोग थे और हम लोग जो हैं ये रिक्शे में ही जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आप देख रहे होंगे क्योंकि ट्रैफिक होने की वजह एक और भी थी क्योंकि हमारे कराची में उस दिन जो है वो PSL का मैच हो रहा था जिसकी वजह से काफ़ी रोड जो है वो बंद किए हुए थे। तो जो रोड खुले हुए थे उन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और हम लोग काफ़ी लेट भी पहुँचे थे उनके घर और घर आते आते मेरे ख्याल से 2 या 3 बज गए थे हमारे घर वापसी आने में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ शाम 4 बजे निकले थे और वहाँ 7:30 पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे। फिलहाल तो अभी मेरे साथ ही रहिए, फिर घर जाकर मिलते हैं आपसे। तो जनाब फाइनली हम लोग भाभी के घर आ चुके थे और ये मेरी भाभी हैं, वो मुझसे मिलने आई थी और मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और माशाल्लाह से यहाँ पे ईशा का वक्त हो चुका था, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं यहाँ पे भाभी का जो घर है वो दिखा रही थी। जो सेंटी अभी उनका घर बना है और काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। तो कुछ काम अभी पेंडिंग में था जो कि किचन में कैबिनेट वगैरह बाकी है और टाइल वगैरह बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे बस बच्चे वगैरह मस्ती वगैरह कर रहे थे और मेरा भतीजा जो है वो काफ़ी हैप्पी हो गया था हम लोगों को देखकर, ख़ासतौर पर अपने बाबा को देखकर। तो यहाँ पे भाई जो है मेरे खाना वगैरह जो प्रोसेस होता है वो निकालना और गरीबों में तकसीम करना, फिर रिश्तेदारों को वो देना, फिर खिलाना, सारा काम ये लोग हम लोग सब मिलकर ही कर रहे थे। और बस यहाँ पर यही सब। रात काफ़ी हो चुकी थी और हम लोगों को घर वापस भी जाना था। फिलहाल तो हम लोग यहाँ रवाना हो चुके थे अपने घर के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ मैच हो रहा था PSL का, तो काफ़ी ज़्यादा 1-2 रोड जो है वो बंद किया हुआ था मैच की वजह से। और मैच अभी आगे स्टेडियम में मैं आपको दिखाऊँगी कि काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ऐसा वो क्या हुआ था ना, बिल्कुल इतने सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है ना। बिल्कुल आप ही तो इतनी ज़्यादा डर रही थी, वो कह रही थी नहीं नहीं वीडियो हटाओ, मतलब कोई पुलिस वगैरह देख लेंगे तो वो मना करेंगे ना, मतलब मना तो करते हैं कि वीडियो वगैरह भी क्लिप वगैरह अलाउ नहीं करते, लेकिन बस हम लोग ऑन द वे थे तो मैं बोल रही इतनी डरनी क्या बात है, हमारी जो है वो गाड़ी चल रही है तो हमें थोड़ी ना कोई रोकने वाला होता है। लेकिन भाई भी मना कर रहे थे, काफ़ी रात भी हो चुकी थी, डर भी लग रहा था। खैर हम लोग अलग अलग करके घर पहुँच गए थे खैर खैरियत से। और बस आगे आप देखिएगा स्टेडियम भी और काफ़ी ज़्यादा रौनक भी हुई हुई थी, लेकिन यही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और बस मैच की वजह से मेरा दिल इतना चाह रहा था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन बस मजबूरी है, जा नहीं सकते। खैर मैं अपना व्लॉग यहीं पे अब एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।